हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीट पर आज वोटिंग हुई, लेकिन इस पहाड़ी राज्य के राज्यसभा चुनाव के मुकाबले में हुई क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल में राज्यसभा चुनावी मुकाबले में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और इसके बाद सरकार के भविष्य को लेकर नई बहस छिड़ गई है। हिमाचल में राज्यसभा चुनावी मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ हुई क्रॉस वोटिंग ने सुक्खू सरकार को बड़ा झटका दिया है। हिमाचल में क्रॉस वोटिंग की खबर के बीच ही हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारे 40 विधायक थे, अगर वो बिके नहीं होंगे और उन्होंने पार्टी की विचारधारा के आधार पर ही वोट दिया होगा तो हमें पूरे 40 वोट मिलते। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ हुई क्रॉस वोटिंग से उत्साहित बीजेपी ने राज्य में सुक्खू सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपना बहुमत खो चुकी है और कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। और आज जब हमने डिवीजन मांगा तो हमारे सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदन में ज्यादा थी और उस पक्ष से भी, उस सत्ता पक्ष से भी बहुत सारे सदस्य उसमें शामिल होने के लिए तैयार। लेकिन ये सारी चीज को देखते हुए, क्योंकि फाइनेंशियल बिल अगर पास नहीं होता है, गिर जाता है तो सरकार चली जाती है और आज यही स्थिति हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हुई है। एक तरह से सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे सदस्य आज इस बिल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होकर के अपना समर्थन देने के लिए तैयार थे। वहीं बीजेपी समर्थक राज्यसभा उम्मीदवार हर्ष महाजन ने दावा किया कि कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग से साफ हो गया है कि इस सरकार का जाना तय है। राज्यसभा चुनावी मुकाबले के बीच जैसे ही कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबरें आई, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान भी सामने आया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ विधायकों की नाराजगी थी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था। इसको भांपते हुए कांग्रेस ने अपने विधायकों को व्हिप भी जारी किया था। बावजूद इसके कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने इकलौती उत्तर भारत की कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनाव के बड़े मुकाबले से पहले राज्यसभा के इस मुकाबले ने हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। इसके बाद सरकार के भविष्य को लेकर तो बहस छिड़ी हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले एक नई चर्चा ये भी शुरू हो रही है कि अब राज्य में सुक्खू सरकार कितने दिन बनी रह पाएगी, क्योंकि ये झटका जोरदार झटका माना जा रहा है। कैमरामैन विद्याधर भाई के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।